श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी फॉर माय बर्थडे पार्टी। सो ये वाला लुक मैंने अचीव किया है अपने बर्थडे पार्टी के लिए। सो मेरा बर्थडे एक दिन पहले था एंड पार्टी में एक दिन की बात कर रही हूँ क्योंकि उस दिन छठ था। सो मैंने सोचा क्या कि मैं आपसे वीडियो शेयर कर लेती हूँ किस तरह से मैं रेडी हो रही हूँ। ये वाला आउटफिट मैंने छठ में वेयर किया था, बहुत ही अच्छा था। इसको मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, मैं इसका फुल लुक आपको लगा दूंगी सारा कुछ। एंड ये इयररिंग्स भी मैंने ऑफलाइन परचेज किए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन कुछ भी ले सकूँ। सो अगर आपको ये वाला लुक सीखना या जानना मैंने कैसे अचीव किया तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी वेडिंग में जाने वाले हो या फिर किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हो उसके लिए भी परफेक्ट है क्योंकि बर्थडे में या फिर पार्टी में लोग थोड़ा सा ग्लैमरस लुक करते हैं। सो मैंने भी कुछ अच्छा आज लुक क्रिएट किया है, थोड़ा सा हैवी है आई नो, बहुत लोग को नहीं भी पसंद आ सकता है बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो इस लुक को आप ना किसी भी इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल भी कैरी कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने फुल लुक दिखा दिया कैसा आ रहा है, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से मैंने ये वाला लुक अचीव किया है। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आपको फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं यहाँ पे मेकअप वाइप्स ले रही हूँ कलबाग की, काफ़ी अच्छी है, मेकअप को रिमूव भी बहुत अच्छे से करता है। अभी तो मैं बस अपने फेस से डस्ट को निकाल रही हूँ। इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की री वाइटल लिप टोनर, मतलब ये रनी फॉर्म में है, बहुत अच्छा एज ए टोनर वर्क करता है। नेक्स्ट मैं लॉरियल की री वाइटल लिप हेलोरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। ये दोनों का मतलब ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी क्लिनिक की, यह क्लिनिक की मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छी है। अभी जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मैं पर डे मॉर्निंग में एंड नाइट में यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में। सो मैं आपको भी रेकमेंड कर सकती हूँ एंड ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा, आई नो थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। 24 घंटे तो मेरा फेस आराम से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रहता है एंड अभी ठंड का मौसम भी है तो आपको अच्छे से फेस को हाइड्रेट करना है। नेक्स्ट मैं गुड वाइब्स की आलमंड फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सो ये फेशियल ऑयल आपको लास्ट में यूज़ करना है, ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है। तो ठंड के मौसम में ना आप अच्छे से स्किन को प्रेप करोगे एंड प्राइम करोगे ना, आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड बिल्कुल भी केकी नज़र नहीं आएगा। लिप को भी हाइड्रेट करने के लिए मैं पर्पल की लिप बाम का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए शुगर की प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ, ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेकअप को बहुत अच्छे से लॉक करता है एंड अभी तो विंटर सीजन है तो इस अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया है इसलिए मैंने इतना अच्छा जैसे प्राइमर फिर जो भी होता है सीरम वीरम अप्लाई किया ताकि मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगे, अदरवाइज़ मेरी स्किन बहुत ड्राई है। प्राइमर को अप्लाई करने के 5 मिनट्स के बाद ही आपको फाउंडेशन का अप्लीकेशन करना है तो इसको रहने दीजिए एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए। ऑल राइट, फाउंडेशन के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 शेड यूज़ कर रही हूँ, एक है डार्क और एक है लाइट शेड। अगर आपके पास भी एग्जैक्ट फाउंडेशन शेड नहीं है ना तो आपको क्या करना है, एक लाइट शेड का फाउंडेशन परचेज कर लीजिए एंड एक डार्क शेड का फाउंडेशन परचेज कर लीजिए एंड दोनों को मिक्स करके आप अपना शेड बना लो। मैं आपको यही टिप्स देना चाहती हूँ अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मेकअप लाइन में जाना चाहते हो या फिर आपको फाउंडेशन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है तो आप एक लाइट शेड का खरीदो एंड एक डार्क शेड का खरीदो एंड दोनों को मिक्स करके अपने शेड का बना लो। वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन मैंने सुना था ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है बट जैसा कि मैंने अच्छे से स्किन को प्रेप किया था ना तो मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही थी तो ये फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों को भी अच्छे से सूट करेगा अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइजर सीरम अप्लाई करो। इसको ब्लेंड में ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर रही हूँ एंड मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, ड्यूई एंड ग्लोई एंड ये शेड परफेक्ट बन गया मेरे लिए। नेक्स्ट मैं न्यू कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये है मेबलिन की एज रिवाइन कंसीलर। इस कंसीलर की तारीफ मैंने बहुत सुनी थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सब कुछ मैंने अमेजोन से परचेज किया है तो डू चेक आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसको ब्लेंड में कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, ये है पैक की ब्यूटी ब्लेंडर। तो मुझे ना वो कंसीलर इतना समझ नहीं आ रहा था तो इसके ऊपर ना मैंने हल्का टॉप किया हुडा ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड ग्राहम क्रैकर। तो ये कंसीलर मैंने नायका से परचेज किया था, आई थिंक ये अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मेकअप को सेट कर रही हूँ एंड लॉक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लूज पाउडर इन दी शेड 15 एंड टी जोन को, ओनली टी जोन को सेट कर रही हूँ जैसे कि अंडर आई के नीचे एंड हल्का फुल्का फेस को एकदम लाइट हैंड से। नेक्स्ट मैं ब्रॉन्जर एंड ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस की पैलेट, मुझे ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसका हाइलाइटर वाला शेड ब्रेक हो चुका है अदरवाइज़ ये पैलेट बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर लेना अगर आप कोई होता है ना
ऐसा पैलेट लेना चाहते हो जिसमें तीनों शेड हो, एंड मेरा शेड है इसमें फ्रेश कोरल, तो ये फेयर टू मीडियम पे ही जाएगा। तो अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लिया है मैंने। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए सेम इसी पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, मेरी बर्थडे ना 11th नवंबर को थी, एंड जो भी आप पार्टी का पिक देखोगे ना, बर्थडे पार्टी मेरा वो 12th की है, एंड 12th को ना मेरी के स्टूडेंट की भी बर्थडे थी रिचा की, हम दोनों ने एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आगे आपको पिक्चर्स देखने को मिल जाएगा। सो आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल की आईब्रो किट। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं इसका बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको भी रेकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप अच्छा पैलेट ढूंढ रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ कर रही हूँ बी परफेक्ट कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट। मैं ले रही हूँ ये पिंकी शेड को छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, बॉजी ब्यूटी की ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड एग्जैक्ट मैं इसको क्रीज पे इस कलर को दूंगी एंड सिर्फ ब्लेंड करूँगी। मेरी आउटफिट ना ग्रीन कलर में है, सो मैंने सोचा कि ग्रीन स्मोकी करती हूँ। सो आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे। सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी लाइट शेड ले रही हूँ एंड क्रीज पे इस तरह से दे रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, सुअर की काजल लूँगी एंड इस तरह से मैं काजल को अप्लाई करूँगी। बहुत ऊपर तक आपको नहीं जाना है, जैसे कि क्रीज से ऊपर नहीं जाना है, ये हमारा बेस होगा। अगर आप इंटेंस स्मोकी आई चाहते हो जैसे कि ब्लू ग्रीन में, तो पहले आप एक बेस दो ब्लैक कलर का, जैसे कि काजल आप यूज़ कर सकते हो, जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो, लोअर लैश लाइन पर भी मैंने अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट फ्लैश शेडर ब्रश ले लीजिए एंड इस तरह से उसको तुरंत ब्लेंड कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगा, काजल तुरंत मैट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड शुगर की काजल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पिगमेंटेड भी है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाले शेड को जो कि मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, ग्रीनिश शेड है, लाइट ग्रीन कलर, एंड इस तरह से मैं सारे क्रीज कलर को ब्लेंड कर रही हूँ एंड डिफ्यूज कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आए। स्मोकी आई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं होता, बस ब्लेंडिंग का यहाँ पे काम है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है आपका मेकअप अच्छा होगा। नेक्स्ट मैं ये दोनों शेड को मिक्स कर रही हूँ, ग्रीन एग्जैक्ट कलर नहीं था जो मैंने आउटफिट में वेयर किया था, मैंने दो शेड को मिक्स कर दिया, एक शिमरी शेड था ग्रीन कलर में एंड एक मैट शेड था ग्रीन में। एंड इस तरह से जहाँ मैंने काजल को अप्लाई किया था ना, एग्जैक्ट उसी के ऊपर मैं पैट कर रही हूँ। ओनली पैट करना है आप लोगों को, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, अदरवाइज आपका ना स्मोकी आई फैल जाएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर को एंड इस तरह से मैं सारे एजेस को ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आए। आपको कम से कम चार ब्रश तो अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि दो छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश, एक फ्लैट ब्रश, तभी आपका आई मेकअप अच्छा होगा। एंड लास्ट में एक क्लीन ब्रश ले लीजिएगा एंड सारे एजेस को ब्लेंड कर दीजिएगा तो कोई भी हार्श लाइन कुछ भी नज़र नहीं आएगी। डन। इसके बाद आपको लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करना है, सेम जो शेड आपने अप्लाई किया ना क्रीज पे एंड अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे, उसको ही अप्लाई कर लीजिएगा स्मर्ज करते हुए। एंड जब भी लोअर लैश लाइन पे कुछ अप्लाई करते हो, छोटा सा ब्रश यूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल पेंसिल ब्रश, स्मॉल स्मजर ब्रश। नेक्स्ट मस्करा के लिए मैं सुअर की मस्करा का यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये मस्करा भी काफ़ी अच्छा लगता है, आपको फॉसेस लगाने की ज़रूरत नहीं अगर आप इस मस्करा को यूज़ कर लोगे। मेकअप को सेट एंड लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की सेटिंग स्प्रे। ऑल राइट, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की हाइलाइटर, ये है मेबलिन की मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड गोल्डन मोल्डन। ये वाला जो हाइलाइटर है ना, ये फेयर मीडियम डीपर तीनों पे जाएगा। मुझे ये हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है, आप इसका पिंक टोन वाला भी ले सकते हो, मुझे गोल्डन ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मुझे गोल्डन हाइलाइटर एंड अपने पे ज़्यादा लगता सूट करते हैं। ब्रा बोन इनर कॉर्नर को भी हाइलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं फॉल्सेस अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे बेफोलिन की लैसेज यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने अमेजोन से ली, एंड ग्लू के लिए मैं यूरोप गर्ल की ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए मेबलिन की लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 06। ये अंडर 100 रुपीज़ की लिपस्टिक है, आई थिंक ना ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, मैंने इसको अमेजोन से लिया था बट मैं जब भी देखती हूँ ना ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। सो एक न्यू लिपस्टिक अप्लाई कीजिएगा क्योंकि हमारी आईज़ में बहुत ज़्यादा ड्रामा एंड ड्रामेटिक लग रही है। ईयरिंग्स मैंने ऑफलाइन परचेज किए, मेरी आउटफिट भी ऑफलाइन है, एंड नेल जो आप देख रहे हो ना, मैंने परमानेंट नेल एक्सटेंशन करवाया है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे जा चुकी है 2 दिन पहले, आप चेक कर लीजिएगा। कम से कम ये नेल 1 मंथ रहते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे उस वीडियो में तो मैंने बता दिया। सो फाइनल कंप्लीट रिजल्ट आप देख सकते हो। आप बताओ मुझे कैसा लग रहा है आपको ये वाला लुक, अगर आपका बर्थडे है ना तो आप इस तरह का लुक कर सकते हो। बर्थडे या पार्टी में ही तो हमें मौका मिलता है अच्छे से रेडी होने का, तो क्यों नहीं हम रेडी हो। बहुत लोगों को ज़्यादा लगेगा आई नो, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आप मुझे बताओ हो लुक आपको कैसा लग रहा है।
एंड बहुत अच्छे से उस दिन सब कुछ हुआ। तो मैंने वैसे व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि आई डोंट नो, व्लॉगिंग मुझसे इतने अच्छे से हो नहीं पाता है। बट मैंने थोड़ा सा क्लिप लगा दिया रेस्टोरेंट का जहाँ हम लोग गए थे। तो ये सारा जो भी आप केक वेक देख रहे हो ना, मेरे स्टूडेंट लोगों ने ही लाया था मेरे लिए। तो मैंने क्या बोला, मेरा बर्थडे 11th को था एंड मेरे एक स्टूडेंट का बर्थडे 12th को था, रिचा का। तो हम दोनों ने एक ही दिन सेलिब्रेट किया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगा दी है रिचा की भी, मेरी भी एंड मेरी सारी स्टूडेंट की। सो उन लोगों को भी थैंक यू अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आप देख सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा पिक लगा दिया है मैंने, तो आप इस पिक को इंजॉय करो। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं आप बाय बाय एंड टेक केयर।